हरिओम। आज 9 मई 2021 दिन रविवार प्रातः सुप्रभात। और प्रतिदिन की भांति आज भी हम आपसे थोड़ी देरी आपके साथ रहकर चर्चा करेंगे आज का पंचांग और राशिफल, जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा होगा। हम चर्चा करेंगे उसके पूर्व आज जिनका जन्मदिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, उन्हें बहुत आशीर्वाद। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया तो कृपया कर लें, ताकि आपको मेरे प्रतिदिन की राशिफल, त्यौहार की जानकारी, इसके अतिरिक्त भी और कई वीडियोस मैं आपको साझा करते रहता हूँ, जो निर्बाध रूप से आपको मिलती रहे, आप उसका आनंद उठाते रहें। और हाँ, आप शेयर भी करें अपने लोगों के बीच में, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए और अधिक पुण्य के भागी बने। आइए आज के पंचांग से प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 2078 हिंदी वर्ष है, जबकि शक संवत 1943 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है, जो कि रात 7:41 तक रहेगा, तदुपरांत चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। रेवती नक्षत्र है, संध्या 6:02 तक, उपरांत अश्विनी नक्षत्र लगेगी। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:19 से 12:12 तक। बता दो, अभिजीत मुहूर्त के मध्य अंतर्गत किया गया किसी भी कार्य का प्रारंभ या किसी यात्रा का शुभारंभ करना, ये चिरकाल तक मधुर और सकारात्मक फल देने वाला होता है। जबकि राहु काल 4:30 से 6 बजे, या 1.5 घंटे का कालखंड राहु काल, इस बीच में किसी भी कार्य का प्रारंभ या यात्रा का प्रारंभ नहीं किया जाता है, वर्जित है, निषिद्ध है। दिशा सुन बताई जाए तो पश्चिम और नैऋत्य की यात्रा करना आज वर्जित है, नहीं करना है। अति आवश्यक हो तो आपके रसोई घर में अदरक अवश्य उपलब्ध है, एक टुकड़ा अदरक का ग्रहण करें, माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करके, बड़े जनों को प्रणाम करके यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए चर्चा करता हूं बारहवीं राशि की, कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। सर्वप्रथम मेष राशि, सुखद यात्रा के योग बनते हैं मेष राशि वालों को, यात्रा के योग है, सुखद होंगे, लंबी यात्रा होगी और आपके यात्रा का जो उद्देश्य है वो भी सफलीभूत होगा। जबकि वृष राशि वालों को बताऊं कि बहुत प्रतीक्षित योजनाएं, बहुत दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी, ये कार्य कैसे संपन्न हो, क्यों कैसे हो जाए, हमने तो प्रयास किया, हो नहीं रहा था, किसी भी कारण से अटक रहा था, रुक रहा था, कई बाधाएं आ रही थी, अड़चने थी, वो सारे दूर होंगे और वो मार्ग आपको प्रशस्त होना है, वो कार्यान्वित होने वाला है। जबकि मिथुन राशि वाले जातकों को बताई जा सकती है कि वरीय अधिकारियों का वर्जस्त रहेगा आपके ऊपर में। यदि आपके सीनियर बॉस घर या बाहर कार्यालय कहीं भी अपने कर्म क्षेत्र में जो आपके सीनियर हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, उनका वर्जस्त मिलता है, तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो सब मंगल ही होना है। जबकि कर्क राशि वालों को बताऊं कि धार्मिक कृत्यों में व्यस्तता रहेगी, कुछ धार्मिक कार्य होंगे घर बाहर समाज में कहीं, जिसमें थोड़ी संलग्नता रहेगी, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, बहुत ही अच्छी बात है, समय व्यतीत अच्छे मार्ग पर होना है। और विशेषकर अभी कोरोना काल में जो ऐसे दिन काटना मुश्किल है, तो धार्मिक कृत्य करके पुण्य के भी भागी बने, मन भी लगेगा और अच्छे कार्य भी होंगे, संस्कार भी वृद्धि होती है। आइए सिंह राशि की चर्चा कर ले तो पैतृक संपत्ति से संबंधित रुके हुए कार्य, आपके पुरकौती जमीन जायदाद या जो भी अचल संपत्ति है, उसमें कई प्रकार के अड़चनों के कारण वो कार्य रुका हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है, जो आज आपको उस मार्ग में संपन्न होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो सारी अड़चनें दूर होकर, बाधा दूर होकर वो कार्य आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि के जातकों को बताई जा सकती है कि प्रेम प्रणय के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। प्रेम प्रणय के क्षेत्र में जहां प्यार संबंधी बातें हैं, वैसे प्रेमियों के लिए शुभ समाचार है कि आपको उस क्षेत्र में लाभ मिलना है। और तुला राशि वालों को भी बताऊं कि शत्रु से संधि की संभावना जान पड़ती है, हो सकता है शत्रु आपके शरणागत हो जाए, मित्रवत हो जाए और शत्रु का समाप्त हो, तो बाकी अड़चने भी दूर, बाकी कार्य भी स्वतः आपके कार्यान्वित हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को बताई जा सकती है कि मनोयोग से कार्य से दोगे, आपके मनोयोग, आपके आत्मबल
कर गुजरने की क्षमता, मन की शक्ति के कारण कार्य सिद्ध होंगे, ये हमेशा बनाए रखने की चेष्टा करनी चाहिए। और धनु राशि वाले जातकों को बताऊं कि मित्रों के सहयोग से सफलता दिखाई देता है। मित्र के जीवन में भी बहुत विशेष अर्थ रखता है। यदि मित्र आपके सहयोगी हो, अच्छे हो, सकारात्मक भाव रखने वाले हो, तो कहीं कहीं तो अपनों से बढ़कर भी ये आपको सहयोग कर देते हैं। आज का दिन लगता है कि मित्रों के सहयोग से कोई कार्य विशेष रूप से सफलता प्रदान करेगा। और मकर वालों को बताऊं, मकर राशि के जातकों को, कि भाइयों के साथ मंत्रणा कर आगे बढ़े, कोई योजना बन रही है कुछ कार्य करने की, योजना है मन में, बातें आ रही है, उसे भाइयों के साथ थोड़ी बैठे, थोड़ी मंत्रणा करें, योजना बनाए और उसके बाद इसे कार्यान्वित की जाए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक धन योग के योग बन रहे हैं। अचानक से कोई बड़ा रकम धनागम होना है, शायद आपने इस पर बहुत विचार नहीं किया था, कभी संभवतः आपने इस पर दृष्टि भी डाली थी, आपको ख्याल भी नहीं होगा, तो वो आपको मिलने जा रहा है अचानक से कोई बड़ा रकम। अंतिम राशि मीन राशि, दिनचर्या व्यस्त और मस्त व्यतीत होगा, सारा दिन व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, सारा दिन मस्ती में गुजर जाएगा, ऐसी तो प्रतिदिन होनी चाहिए। पारो राशि की चर्चा हो गई, हम कल पुनः किसी अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। स्मरण करा दो पुनः, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, और तब तक आप ऊर्जान्वित रहें, मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ओम।